बॉलीवुड में किसका किससे भिड़ा टाका, कौन सी फिल्म कर रही बॉक्स ऑफिस पर राज, किन सितारों की है सबसे ज्यादा चर्चा, क्या है टीवी के सीरियल्स का हाल, सास बहू ड्रामा में किस सीरियल ने मारी बाजी, एंटरटेनमेंट वीकली में जाने बॉलीवुड और टीवी वर्ल्ड की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। मीटू मामले में मुंबई पुलिस ने नाना पाटेकर को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी है, जिसकी वजह से तनुश्री दत्ता काफी नाराज हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस को करप्ट बताया है और साथ ही कानून व्यवस्था पर विश्वास न करने की बात कही है। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवेटेड फिल्म साहो का टीजर रिलीज हो गया है। फैंस इसको सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस कर रहे हैं। लोग इसे 2019 की सबसे बड़ी एंटरटेनर फिल्म बता रहे हैं। साहो में प्रभास की जोड़ी श्रद्धा कपूर के साथ बनी है। सलमान खान की भारत बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस मूवी ने पहले दिन 42 करोड़ की कमाई की थी और महज एक हफ्ते में तेजी से 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जल्द ही सलमान खान की ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। 2020 में ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की इंशा अल्लाह और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का क्लैश होने वाला था, लेकिन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस क्लैश को अवॉइड किया है। उन्होंने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट 27 मार्च 2020 कर दी है। कबीर खान की फिल्म 83 में दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की ऑन स्क्रीन पत्नी बनेगी। वे पर्दे पर कपिल देव की पत्नी रोमी भाटिया का रोल निभाएंगी। कहा जा रहा है कि इस रोल के लिए दीपिका पादुकोण को भारी भरकम अमाउंट ऑफर किया गया है। दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए 14 करोड़ फीस दी जाएगी। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की बहन सुनैना के इस हफ्ते अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आईं। कहा गया कि सुनैना काफी ज्यादा बीमार है और उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है, लेकिन सुनैना ने इन खबरों का खुद ही खंडन किया और उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हूँ। इसके अलावा सुनैना रोशन के इस हफ्ते दिए गए कई इंटरव्यू काफी ज्यादा चर्चा में रहे। इन इंटरव्यूज में सुनैना रोशन ने अपनी सेहत, रिश्ते और परिवार के साथ अनबन का खुलासा किया। कसौटी में टीवी के हैंडसम हंक करण सिंह ग्रोवर मिस्टर बजाज की भूमिका निभा रहे हैं। शो में उनकी एंट्री हो चुकी है। करण सिंह ग्रोवर के लुक फैंस के बीच काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि करण सिंह ग्रोवर को मिस्टर बजाज का रोल निभाने के लिए भारी भरकम फीस दी जा रही है। चर्चा है कि करण सिंह ग्रोवर मिस्टर बजाज का रोल निभाने के लिए 75 लाख रुपए महीने ले रहे हैं। तो ये रही इस हफ्ते मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते एंटरटेनमेंट वीकली में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही चटपटी और मसालेदार खबरों को लेकर।